फाई पर आप दो तरीके के अकाउंट्स बना सकते हैं, मिनिमम अकाउंट या फुल केवाईसी अकाउंट। फुल केवाईसी अकाउंट खोलने पर आपको फाई के सारे फीचर्स मिलते हैं। फुल केवाईसी अकाउंट खोलने के लिए आपको हमें आपका डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड डिटेल्स दोनों ही देने होंगे। इन डिटेल्स को इस्तेमाल करके अगर हमें आपके सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं तो आपका फुल केवाईसी अकाउंट बन जाता है। पर अगर हमें आपके सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स नहीं मिलते तो आप मिनिमम अकाउंट हमारे साथ खोल सकते हैं। इसके लिए आपको अपना आधार ओटीपी प्रोसेस पूरा करना होगा। बस अपना आधार नंबर टाइप करें और आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर भेजी गई ओटीपी एंटर करें। इससे आपका मिनिमम अकाउंट खुल जाता है। मिनिमम अकाउंट होल्डर बनने पर आपको फाई के सारे फायदे नहीं मिलते। मिनिमम अकाउंट होल्डर्स को सिर्फ एक साल की वैलिडिटी मिलती है। इन अकाउंट्स के बैलेंसेस और डिपॉजिट्स पर लिमिट्स भी लागू होती हैं। इसके अलावा इन अकाउंट होल्डर्स को चेकबुक, फिजिकल डेबिट कार्ड और फाई के सारे फीचर्स के फायदे नहीं मिलते हैं। मिनिमम अकाउंट को फुल केवाईसी अकाउंट आप इस तरह बना सकते हैं। मिनिमम अकाउंट बनाने के 3 दिन के अंदर अंदर अगर आपने वीडियो केवाईसी पूरा कर दिया तो आपका अकाउंट फुल केवाईसी अकाउंट हो सकता है। पर 3 दिन के बाद आपको दोबारा आधार ओटीपी स्टेप रिपीट कर वीडियो केवाईसी पूरा करना होगा। 1 साल के अंदर अंदर आप अपने मिनिमम अकाउंट को फुल केवाईसी अकाउंट बना सकते हैं। वीडियो केवाईसी कैसे करते हैं इसकी डिटेल्स हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।